नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बॉर्डर के साथ में बहुत ही सुंदर सी नेकलाइन बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे जो कुर्तियाँ कटिंग करते हैं, कपड़ा कटिंग करते हैं, तो उनकी साइड में बॉर्डर होता है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास बॉर्डर जो हमें डिजाइनिंग में यूज करना है। स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे और साथ ही हम यहाँ पे पोटली बटन का भी काम करने वाले हैं। ये हमने कुछ पोटली बटन बनाए हुए हैं और ये है हमारे पास बॉर्डर। तो जो बॉर्डर है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बॉर्डर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बॉर्डर हमने इस तरीके से यहाँ पे तैयार कर लिया है फोल्ड करते हुए ऐसे। और इसके बाद हम यहाँ पे ये एक पेपर पेस्टिंग लेंगे, इसमें से नेकलाइन कटिंग करेंगे। जो हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है वो रखनी है 6 इंच, तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो डीप लेंथ रखनी है वो 7.5 रखनी है, तो हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमें स्वीट हार्ट शेप देनी है, तो इस तरीके से हम क्रॉस करते हुए यहाँ पे इस नेक लाइन को ऐसे तैयार करेंगे। देखिए सिंपल सा हमने निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब हमें बाहर की साइड भी कम से भी कम 1 इंच पर या 1.25 इंच पर इस तरीके से कटिंग करनी है, क्योंकि बॉर्डर लगाना है तो थोड़ा चौड़ा रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है। इस नेक लाइन को हम चिपका लेते हैं कपड़े के ऊपर। ये देखिए नेक लाइन जो है हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है, इस तरीके से चिपका ली है। अब इसको हम यहाँ पे फ्रंट में तैयार करेंगे। ये है हमारे पास फ्रंट, और यहाँ पे जैसे सिंपल नेक तैयार किया जाता है वैसे इसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे नेक लाइन तैयार कर ली है। जैसे सिंपल नेक होता है वैसे ही हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें करना है यहाँ पे बॉर्डर का काम। तो ये है हमारे पास बॉर्डर जो हमने तैयार किया हुआ है। एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लगाना। इस तरीके से लगाएंगे, और जहाँ पे भी आपकी नोक आती है तो आपने यहाँ पे फोल्ड लगाना है इस तरीके से। और नोक का ध्यान रखें, हमारी अच्छी नोक बननी चाहिए फिनिशिंग वाली, ये ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड लगाया है, और इसके बाद यहाँ पे ऐसे फोल्ड। अब मैं सिलाई को इधर ले करके जाऊँगा और फिर वापस ले करके आऊँगा। इसके बाद हम इधर यहाँ पे ऐसे बॉर्डर लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे फोल्ड लगाना है, तो यहाँ पे ऐसे रखते हैं सेंटर पॉइंट में बॉर्डर, और यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे हमारा बिल्कुल ठीक फोल्ड आ रहा है। जैसे ठीक आएगा बिल्कुल उसी हिसाब से हम यहाँ पे फोल्ड लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर हमारा बिल्कुल ठीक आ जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें नीचे जितनी भी लेंथ रखनी हो, आपने ध्यान देना है, जितनी आपने लेंथ रखनी है उस हिसाब से यहाँ पे हम बॉर्डर को लगाएंगे। कम ज़्यादा लेंथ कर सकते हो आप, जैसा भी मतलब कस्टमर की डिमांड रहती है वैसी आप यहाँ पे लेंथ रखें। तो ये देखिए एक साइड का बॉर्डर जो है हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया है कंप्लीट।
अब हमें दूसरी साइड यहाँ पे बॉर्डर लगाना है। तो दूसरी साइड का जब हम बॉर्डर लगाएंगे तो साथ ही हम यहाँ पे जो हमारे पास ये पोटली बटन है ये भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी पोटली बटन का मार्जिन हमारा ज़्यादा है तो उसको कम कर लें, अगर ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ से इस तरीके से लगाते जाएंगे। और इसके लिए हमें सिंगल फुट का इस्तेमाल करना होगा, अगर हम डबल से लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं सिंगल फुट लगा लेता हूँ। सिंगल फुट हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरीके से एक एक पोटली बटन को नीचे की साइड लगा रखते जाएंगे और यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। गैप आप कम ज़्यादा रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये देखिए बॉर्डर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बाहर की साइड भी यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। देखिए दोस्तों हमने बाहर की साइड भी यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है और सेम इसी तरीके से हमने स्लीव्स में भी बॉर्डर लगा लिया है। ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स में भी हमारा बॉर्डर आ जाएगा और यहाँ पे नेक लाइन पे भी हमने बॉर्डर लगा लिया है, नीचे घेरे पे भी बॉर्डर आ जाएगा। तो पूरा पीस हमारा इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर के साथ में कंप्लीट होगा। कोई भी प्लेन कुर्ती होती है, प्रिंटेड कुर्ती होती है, उसको आप बॉर्डर के साथ में अगर इस तरीके से डेकोरेट करते हो तो बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश सी कुर्ती हमारी निकल करके आती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।